अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये बच्चा जवान जो सड़क पे मदहोशी बेहोशी की हालत में मिला था, और बहुत शुक्रिया नदीम एक सचो थे उनका जिन्होंने इसको देखा और हमें इतला दी और हमारी गाड़ी जाके लेके आई। और इस बच्चे को कुछ भी याद नहीं कि ये सड़क पे कैसे पहुंचा, ये हमारे पास कब आया, ये हॉस्पिटल कैसे एडमिट रहा, ये यहाँ कब से, कुछ नहीं पता। लेकिन आज ये अल्लाह का शुक्र है कि होश में आया है और इसने बताया है क्या हुआ था। तुम जब शॉपिंग के लिए निकले हो, तुम वीर से आए हुए हो? वीर से आए हो, कल तो मेरा वापसी का दिन था। ठीक है, मैंने थोड़ा सामान वगैरह खरीद लिया और बाद मैंने एक बाइक वाले को मैसेज किया, लेकिन बाइक लेट हो गई। लेकिन बाइक के बाद एक रश्के वाला आया, बेटा जाना है मैं अपना सामान और उसके साथ एक और सवारी ने कहा कि मैं चाय पी लूं, आ जाओ और उसके वाले ड्राइवर को भी वो आ जाओ चाय पी लूं। मैंने उसको कहा कि मैं चाय नहीं पी लूं, मैं नहीं पी लूं, लेकिन उसने जोर जबरदस्ती से चाय पी लूं, बस चाय पी लेने के बाद तुम्हें उसके बाद का कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता, मेरे साथ मोबाइल के घर में थे और मोबाइल के अकाउंट में भी पैसे थे, सारे जब खाली हो गए मैंने देखा जो इस कुछ नहीं। चलो, लेकिन ये एक मैसेज तो दो ना लोगों को, बच्चों को, जो तुम्हारी जो उम्र है 19 साल की, तुम माशाल्लाह 19 साल में बंदा समझता है मैं बहुत बड़ा टार्जन हूँ, तो ये बताओ धोखा कैसा होता है, सारा टार्जन जो है ना वो बंदे के जो रह जाता है पीछे, ऐसा ही है या अभी भी टार्जन हो? सर है हमारा बड़ा भाई, मत बच्चा मेरे से बोला इंदा आओगे कराची, ये दीर से आया बेचारा घूमने आया था, तो कह रहा नहीं मैं आऊंगा, बोला जबरदस्त हिम्मत वाला बच्चा है, डरपोक नहीं है ना, ऐसे ही है। अरे इसके अंकल भी आ गए, अंकल चाचा कौन है ये? समी नाम है। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हो? ये पता से चल गया होगा कैसे मिला और क्या कुछ हुआ इसके साथ। आप जरा आप भी मैसेज दो लोगों को, ये भी बताओ कि भाई जागते रहा करो, ऐसे रहा चलते से। असल मसला ये, इसको मैंने कहा भी था कराची है देखभाल की, इसलिए को बताया नहीं कि मैं सदर जा रहा हूँ, आपको कहा कि मैं नई के पास जा रहा हूँ, तो बाल बना रहा, तो मुझे तकरीबन जब मैंने इसको कॉल किया तकरीबन 1-1.5 बजे, कहते मैं नंबर बिजी कर रहा था 4-5 बजे तक, फिर आखिर में नंबर बंद हो गया, और कल तुम्हें रात को 1-2 बजे तक बहुत टेंशन में नंबर भी नहीं लगा था, और इसके मतलब जितने कराची में यार दोस्त रिश्तेदार वाले थे सबको मैंने फ़ोन किया, सब कह रहे थे कि भाई हमें तो कोई पता नहीं है, नया रब्ता हुआ इसका, तो आखिरकार मैं सो गया था, क्या नींद भी नहीं आ रहा था, सुबह तकरीबन 9-10-11 बजे के टाइम में मुझे फोन आया था यहाँ से, खुश हो गया था मैंने जब कहा अच्छे लोगों के हाथ में लग गया, और मैं कराची है, कराची के शहर में तो तकरीबन अच्छे लोग भी बहुत हैं, यही कहा बेटा नसीब वाला था मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैसेज तो ये देता हूँ अक्सर हमारे वहाँ से लोग ना अपने बच्चों से नहीं पूछते कि आपने कहाँ जाना है, बच्चा जाके कराची में, फिर कराची का शहर है, इधर तो अच्छे लोग भी बहुत है, लेकिन ऐसे लोग तूफान यहाँ पे पता भी नहीं लगता है। जो सबसे अहम बात है वो बताओ, हम शायद मिस कर गए कि ये बच्चा जब शॉपिंग करके बहने छोटी छोटी उसके लिए स्कूल की बोतल पानी की लेके निकला है कि सारा सामान वामान, तो उसने रक्षे वाले ने इसको बिठाया, साथ बंदा बिठाया, तो इसको शक हुआ, कह रहा है मुझे शक हुआ था, तो उसने फिर कहा मैं सर चकरा रहा है और मैं चाय पी लूं, तो इसने बोला पी लो, फिर इसको भी जबरदस्ती करने लगा, इसको फिर बुरा लगा, इसने भी चाय पी, उस चाय में उसने बदबख्त ने जो है ना पता नहीं क्या मिला करके पिलाया है कि आज तीसरा या चौथा दिन में रहा है इसको, तीसरा दिन है, तीसरा दिन है आज सुबह होश में आया, ड्रिपे भी लगाई, इसको खट्टा भी खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी अब पूरी नींद से नहीं खत्म हुई, अभी भी इसको है, बात करते करते नॉर्मल होते होते नींद में आ जाता है, तो लोग होशियार रहे, वो चाहे कराची के हो या कराची घूमने फिरने आए हो, कि रक्षे वाले राह चलते लोग अजनबी लोग कुछ लेके ना खाए पिए, और ये सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में किसी भी अजनबी से लेके कुछ ना खाए पिए, वरना ये जवान लड़का अगर इस तरीके से इसके साथ मिसहैप हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आइंदा हम और आप महफूज रह सकेंगे।